ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने वाले अनुज प्रताप सिंह को भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम के साथ आरोपी अनुज और उसके एक साथी की उन्नाव जिले में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अनुज को एसटीएफ की गोली लगी जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। अनुज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले इसी मामले से जुड़े मंगेश यादव को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। सुल्तानपुर में सर्राफा से हुए लूटकांड में वांछित 1 लाख के इनामिया अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ लखनऊ व उन्नाव पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। एसटीएफ को देर रात लोकेशन मिली कि अनुज प्रताप सिंह उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में चहलकदमी कर रहा है, जिसके बाद एसटीएफ ने उन्नाव एसपी दीपक भूकर से कम्युनिकेशन कर उन्नाव पुलिस के साथ अचलगंज थाना क्षेत्र में देर रात घेराबंदी कर कॉम्बिंग शुरू की। सुबह करीब 4:30 बजे उन्नाव लालगंज हाईवे के सर्विस रोड बेथर कोल्हूगाड़ा मार्ग से बाइक से भाग रहे आरोपी अनुज प्रताप सिंह का पीछा शुरू किया। तभी अनुज प्रताप सिंह व उसके दूसरे साथी ने टीम पर फायर झोंक दिया और गंगा कटरी क्षेत्र की तरफ भागने लगे, जहां उन्नाव लालगंज हाईवे से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर घने जंगल वाले इलाके में एसटीएफ और उन्नाव पुलिस ने नाकेबंदी कर मोर्चा संभाल लिया और एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया। वहीं दूसरा साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ दबिश दे रही है। मृतक अनुज प्रताप सिंह अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के जनापुर गांव का रहने वाला था। लूटकांड में आरोपी 1 लाख का इनामिया था। वहीं इस कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। पूरे मामले को जानने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है। अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसपी उन्नाव दीपक भूकर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके से लुटेरे की बिना नंबर की बाइक व असलाह बरामद किया है। एएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी अनुज प्रताप सिंह मुठभेड़ में ढेर हो गया है। एक आरोपी फरार है, तलाश की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सरनोक धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा 1 बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही 1 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर सर्राफा व्यापारी से लूट की घटना में एक और आरोपी का आज उन्नाव पुलिस व एसटीएफ ने इनकाउंटर किया। ये वही जगह है जहाँ पे हम मौजूद हैं, जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है। अचलगंज थाना क्षेत्र के कुल्हागाड़ा बेथर मुख्य मार्ग है। यहीं पे आरोपी जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे आरोपी व एसटीएफ और उन्नाव पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद जो आरोपी था उसको गोली लगी। गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली शव को पीएम के लिए रख भिजवाया गया। उन्नाव से सी न्यूज़ भारत के लिए अजय कुमार। बता दें कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने अब तक 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मंगेश यादव और अनुज प्रताप सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उन सब पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव और विपिन सिंह शामिल हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।